हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू स्टाइल कॉर्नर। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे फ्रेंड। और मॉर्निंग का टाइम है, 9:30 के अराउंड हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं। बेटू नहा करके चले गए हैं, तो उनके भी कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो वॉश कर दें, फिर इसके बाद में मैं मॉपिंग वगैरह करूँगी। क्लीन डस्टिंग वगैरह सारे घर की हो ही चुकी है और बस मॉपिंग रह गई थी, तो वो करनी थी, तो वो करने के लिए आ गई हूँ। मॉपिंग अपने तो रूम वगैरह क्लीन करूँगी सारा कुछ, और किचन वगैरह सारे क्लीन ही हो गई है, बर्तन वगैरह सारे कुछ वॉश ही हो गए हैं। तो यहाँ पे सारा काम निपट गया है, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं रह गई थी बस ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं बाद में ब्रेकफास्ट करूँगी, नहा लूँ, पूजा वगैरह कर लूँ, इसके बाद में ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाने का मन नहीं होता है और काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि खाने का कुछ मन नहीं करता, लगता आराम कर लें फिर इसके बाद में खाएंगे। तो यहाँ पर मैं मॉपिंग कर लूँ, फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। नाइट का टाइम हो गया है और 7:30 से ऊपर हो गए हैं और मुझे बनाना है डिनर, तो डिनर बनाने जा रही हूँ। तो आज बनाऊँगी बैंगन का भरता, बहुत दिनों से बैंगन का भरता नहीं बना है, तो बैंगन का भरता बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ बैंगन का भरता। तो चलिए जल्दी से बैंगन वगैरह भूंज लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक साइड दाल रख दी है बनने के लिए, ये देखिए दाल रखी हुई है, तो मूँग की दाल बना रही हूँ और उसके साथ में बैंगन का भरता बनाऊँगी। दाल तो रोज ही बनती है, बट उसके साथ में थोड़ी बहुत सब्जी बन जाती है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बनना होता है तो वो बन जाती है, लेकिन दाल रोज बनती है। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे जा रही हूँ बैगन भूनने के लिए, और मैं सुबह के बाद में आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी, तो आराम करने लगी थी, तो इस वजह से मन ही नहीं किया कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने सोचा वीडियो का एंड तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अपना इवनिंग रूटीन भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ में, तो ब्लॉग पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैगन भूंज रही हूँ और भूनने के बाद में इसका बैगन का भरता बनाऊँगी। और यहाँ पर पापा जी कुछ सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए हुए थे, तो उनको भी मुझे रखना था उसके प्लेस पर, तो अच्छे तरीके से सब्जियों को एक बास्केट में करके रख दूँगी। तो मेथी थी, मटर वगैरह थी, धनिया वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह थी, तो जो भी सब्जियाँ थी सबको अच्छे से करके रख दूँगी। और मैं धनिया को पॉली बैग में करके रख देती हूँ, तो ख़राब नहीं होती है धनिया। और यहाँ पे ये मटर वगैरह मैंने बास्केट में करके रख दी, क्योंकि रात के टाइम पे मैं इनको पील कर लूँगी। और यहाँ पे बैगन मेरे भुनी रहे हैं, और बैगन को मैं काट के देख लेती हूँ कि किस तरीके से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और देखिए यहाँ पर बेटू खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बैलून के साथ में। और यहाँ पर मेरे बैगन वगैरह सब भुन चुके हैं, तो उनको भी अच्छे से पील कर लूँगी। तो पील करने के बाद यहाँ पर मैंने मैनुअल चॉपर में उसको अच्छे से चॉप कर लिया है, हाथ से भी मैस कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि चलो मैनुअल चॉपर से ही चॉप कर देते हैं इसको अच्छे से, तो ज़्यादा मोटे चंक्स नहीं रहेंगे इसमें, बारीक हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे मैं इस तरीके से प्याज और हींग वगैरह डाल करके, लहसुन वगैरह डाल करके अच्छे से इसको सौते कर लूँगी और अच्छे से बना लूँगी बैंगन का भरता। और इस तरीके से बनाती हूँ तो मेरे घर में सब लोगों को बहुत पसंद आता है बैंगन का भरता, और पापा जी थोड़ा सा कम ही बैंगन खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ना नुकसान करता है बैंगन, तो इस वजह से वो नहीं खाते हैं। मैं और बेटू खा लेंगे, बेटू भी बहुत कम ही खाते हैं, बट मैं खिला देती हूँ। और यहाँ पे मेरी दाल भी बन करके रेडी हो गई है, तो उसमें मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है, उसको भी फ्राई कर दूँगी। और बस रोटियाँ तब बनाऊँगी जब सब लोग खाने के लिए जाएँगे, तब रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दाल भी फ्राई कर दे रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर अपना आगे काम करूँगी। सो फ्रेंड, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और ऐसे ही 11:15 का टाइम हो रहा होगा, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लैंकेट का कवर वगैरह वॉश कर देते हैं, क्योंकि अब इस ब्लैंकेट को ओढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्माता भी है। तो बेटू तो बहुत कम ही ओढ़ते हैं, फेंकते रहते हैं रात को, हटा देते हैं, बोलते हैं मम्मा गर्मी लग रही है, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी सी पड़ने लगी है ना, पूरा दिन बहुत तीखी तेज़ धूप होती है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी धूप दिखा दूँगी, देखती हूँ आज डालती हूँ उसको धूप में या कल डालूँगी। तो क्योंकि ड्राई क्लीन तो अभी करवा नहीं पाऊँगी, जब बेटू के डैडी आएंगे तभी इसमें ड्राई क्लीन
कर पाऊँगी। यहाँ पे टॉवल वगैरह भी आज वॉश करनी थी, तो ब्लैंकेट के कवर के साथ में ही डाल दूँगी मैं टॉवल वगैरह, ये भी वॉश हो जाएंगी। फिर इसके बाद में मैं अपनी जैकेट वगैरह और बेटू के जो और भी कपड़े हैं बेटू के, वो वॉश करने हैं, ड्रेस वगैरह हैं तो उनको भी वॉश करना है, तो उन सारे कपड़ों को भी वॉश करूँगी। तो पहले इसको लगा देती हूँ, फिर इसके बाद में और काम करूँगी। तो मैंने सोचा आज लाइट थी तो इस वजह से मैंने सोचा फ़ायदा उठा लो लाइट का। फ्रेंड यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ अपने कपड़ों को वॉश, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।